के साथ। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्थान के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी एवं विभिन्न व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में हाथों में तख्ती बैनर लेकर मैदागिन चौराहे से पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विशेश्वरगंज तक एक पैदल मार्च निकाला गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के खुदरा व्यापार को ई व्यापार पूरी तरह से निकल रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इसमें जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ज्ञात हो कि इस समय हमारे देश में भारत सरकार की सहमति से कई बड़ी कंपनियां ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं। उनसे उन बड़े बड़े कंपनियों और ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण खुदरा बाजार तबाह और बर्बाद हो रहा है। इस कार्यक्रम में नंद कुमार टोपी वाले विशेश्वरगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जालपा देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल केसरी, नीचीबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, चंद्रशेखर चौधरी, राजेश केशी, सचिव डॉक्टर मनोज यादव, सचिव पंकज पाठक, सुनील अहमद खान, राजेश श्रीवास्तव, संजू विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, प्रकाश मौर्य, पप्पू रस्तोगी सहित कई लोग शामिल थे। हमारा सरकार से यह मांग है कि कुछ ऐसा अंकुश लगाए जिससे जो है ऑनलाइन कारोबार भी चलता रहे और छोटे मझोले दुकानदार का भी व्यापार चलता रहे। सभी भाइयों बहनों से हमारा यह अपील है कि वो घर से बाहर निकले और खरीदारी करें दुकानदारों का, ताकि उनका भी व्यापार चौपट न हो, उनका भी धंधा चलता रहे। इतने बड़े व्यापारी है, सरकार को अच्छे पैसे दे रही है व्यापार करने के लिए। भारत खास करके अमेजन कंपनी है, बहुत सी कंपनी है, बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां हैं, वो सरकार के सह पर व्यापार कर रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि छोटे मझोले दुकानदार जो कि उनके वो भी उनके मतदाता हैं, तो जो भी चलता है वो छोटे मोटे गरीब लोग कर भी जो भी संस्था या पार्टी चलती है उनको लेकर चलती है, तो ऐसे लोग के लिए भी सरकार को गंभीरता से लाइव सच के साथ।